तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 40 ऑफ द रियल सुपरहीरो फैक्ट्स। तो आज मेरे पास आरआरआर की सीक्वल मार्वल और डीसी का कंपटीशन पर ड्वेन जॉनसन का कमेंट और स्पाइडरमैन 4 की अपडेट से। तो अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एवेंजर्स क्वांटम एनकाउंटर से, जहां वर्ल्ड्स ऑफ मार्वल के एक क्रूज शो में इसको दिखाया गया था, जिसको अर्लियर सभी लोग एवेंजर्स की नेक्स्ट मूवी का ट्रेलर समझ रहे थे। तो अभी एक इंटरव्यू में बात करते हुए इमेजिनरी डैनी हैंडके ने बताया कि इस शो में अल्ट्रॉन को एक मेजर थ्रेट या कहीं विलन दिखाया गया था, बट वही डिज्नी ओरिजिनली हाइड्रा के आर्नियम जोला को इसमें इंक्लूड करके मेन एंटागोनिस्ट यानी एक विलन दिखाना चाहता था। अगली अपडेट है स्पाइडरमैन 4 को लेकर, जहाँ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइडरमैन की फोर्थ मूवी एक ग्राउंडेड लेवल की मूवी होने वाली है, ठीक स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी की तरह, जहाँ वो बस अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनके सबकी मदद करेगा और विलन से लड़ेगा। और इसकी स्टोरी ग्राउंडेड होना लाजमी भी है, क्योंकि जो कुछ स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की एंडिंग में पीटर पार्कर के साथ हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी की, जहाँ इस मूवी में रमोंडा का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्ट्रेस एंजेला बैसेट ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा है कि भले ही उनका कैरेक्टर इस मूवी में मर गया हो, पर फिर भी जैसे एवेंजर्स एंडगेम मूवी में सारे एवेंजर्स ने मिलकर सारे स्नैप हुए लोगों को वापस लाया, वैसे उनका कैरेक्टर भी किसी तरह से एमसीयू में वापस आ सकता है। उनके कैरेक्टर रिटर्न के बारे में उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि ऑल काइंड ऑफ क्रेजी थिंग्स हैपन। इसी के साथ एंजेला बैसेट के फैंस ये होप कर रहे हैं कि 2023 के ऑस्कर में वो उनके रमोंडा के कैरेक्टर के लिए ऑस्कर जीत जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस मूवी में रमोंडा का कैरेक्टर प्ले किया है उससे हर जगह उनकी तारीफ की जा रही है। इसी के साथ रायन कुगलर ने बताया है कि वकांडा फॉरएवर जो इस मूवी का मेन टाइटल है उसको वो इस फ्रेंचाइज के थर्ड मूवी में यूज करना चाहते थे। आगे बढ़े तो ऐसी खबर आ रही है कि डिज्नी प्लस के अपकमिंग डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की रेटिंग TVMA होने वाली है, मतलब टेलीविजन आर रेटेड होने वाली है। यही पे आते फ्लैश के सीजन 9 पे, जहां इसके सेट से पीएड पीपर गोल्ड फेस और द हॉटनेस की इमेजेस सामने आई है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें से हमने द हॉटनेस को सीजन 4, पीएड पेपर को सीजन 6 और गोल्ड फेस को फ्लैश की सीजन 8 में देखा था। मैं आपको बता दूं कि ये आरओएस के द फ्लैश का आखिरी सीजन होने वाला है। ये पे बात करते हैं एना ड्यूब की, जहाँ एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने एक्सपेंसिव स्टॉर्म का कैरेक्टर प्ले करने में अपना इंटरेस्ट शो किया है। आगे आए तो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी में जनरल रॉस का थंडरबोल्ट कैरेक्टर का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनरल रॉस इस मूवी में यूएस के प्रेसिडेंट होने वाले हैं और रेडिएशन शिपोंड यूज करने की वजह से वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जहां एसएस राजामौली ने कंफर्म किया है कि RRR का सीक्वल अभी अर्ली डेवलपमेंट में है और अभी इसकी स्क्रीन राइटिंग पर काम चल रहा है। आप RRR के सीक्वल के लिए इतने एक्साइटेड हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे एक इंटरव्यू में बात करते हुए ब्लैक एडम का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ड्वेन जॉनसन ने फैंस के बीच चल रहे या फिर उनसे डायरेक्टली पूछे गए एमसीयू और डीसी के कंपटीशन के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि अभी के टाइम पर उनसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डीसी एमसीयू के साथ कंपटीशन में है, तो उनका बस यही आंसर होता है कि डीसी और एमसीयू में कोई भी कंपटीशन नहीं चल रहा और ना ही डीसी यूनिवर्स मार्वल यूनिवर्स के साथ कंपटीशन कर रहा है। वो एमसीयू से केविन फाइगी और बाकी सुपरहीरो कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर अभी यह बस एक मार्वल है, एक एवेंजर्स की टीम है, उसके साथ ही अभी बस एक डीसीयू है, एक ब्लैक एडम है और एक जस्टिस लीग की टीम है, और वो अभी के टाइम पर डीसी यूनिवर्स को अच्छी तरह से बिल्ड करने में लगे हैं। अगले अपडेट है थंडरबोल्ट मूवी से, जहां डेविड हार्बर जिन्होंने ब्लैक विडो मूवी में रेड गार्डियन का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने थंडरबोल्ट मूवी के बारे में बात करते हुए बोला है कि अभी तक उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, जिसका प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, पर इस मूवी में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग मूवमेंट्स और सीन्स ऐड किए जाने वाले हैं जो कि मार्वल के आने वाले फेज पर इंपैक्ट डालने वाले हैं। आगे बात करें तो जहां पहले ये कंफर्म हो चुका था कि डिज्नी फीमेल लीड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी बनाने वाला है, जिसमें मेन लीड मार्गरेट रॉबी होने वाली है, पर अभी इस मूवी के बारे में बात करते हुए मार्गरेट रॉबी ने कहा है कि वो इस मूवी की प्लानिंग और डेवलपमेंट बहुत पहले से कर रहे थे, जहाँ ये मूवी बहुत ही कूल बनने वाली थी, पर उनकी माने तो अभी सोनी पिक्चर्स इस फीमेल लीड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी को नहीं बनाने वाला और ना ही वो इसमें इंटरेस्टेड है। आपको इनके स्टेटमेंट पर क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतनी अपडेट थी पूरे मार्वल डीसी और बाकी मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।